बीसी के बाद यू नो यू आर एबल टू क्रैक मोर देन 4 and 5 LPA, बट हाउ? मैंने भी अपने टाइम पे गलतियां की थी और उन गलतियों से सीखा कि क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए, क्या क्या चीजें चेंज करनी चाहिए. और उसके बाद एक स्पेसिफिक ऐसा टाइम आया था जब मैंने 5 to 6 कंपनीज को क्रैक किया था. हाई एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल, आई एम चंद्रा एंड यू आर वॉचिंग नंगवाल चंद्रा. तो बीसीए की सीरीज में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैम बीसीए में हमको प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, या फिर बीसीए अगर कर लिया तो प्लेसमेंट कहाँ से लेनी है. देखो, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, लिंक्स मिल जाते हैं, बट प्रिपरेशन कैसे करनी है और कहाँ से करनी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैंने जब बीसीए किया था उसके बाद मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आई थी जॉब के लिए. एंड अर्लियर आई टोल्ड यू कि हाउ मच आई अर्न फ्रॉम माई फर्स्ट जॉब, बिकॉज एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब थी. तो बट हर किसी का जॉब सपना होता है कि एक परमानेंट जॉब मिले, एक रेगुलर जॉब मिले जिसमें टाइम भी अच्छे हों, शिफ्ट भी अच्छे हों, पैकेज भी ठीक मिले. यस, रिसेंटली आई टोल्ड कि मिनिमम टू मैक्सिमम पैकेज आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपके पास स्किल्स है तो आप 4.5 से 5.5 तक का लाइक एलपीए पैकेज भी क्रैक कर सकते हो. यू नो, हम क्या गलती करते हैं फ्रेशर, जो मैंने की है, मैंने चाहती कि वो आप करो कि जब भी आप प्लेसमेंट प्रिपरेशन करते हो ना, तो आपके घर तो जितना भी बीसीए का कोर्स होता है आप सारा पढ़ना शुरू कर देते हो. आप सोचते हो ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, बट दिक्कत कहाँ आती है कि प्लेसमेंट जब आपके लिए बैठते हो, जब प्लेसमेंट के इंटरव्यू के लिए बैठते हो, तब इतनी सारी चीजें नहीं पूछी जाती है. बहुत कॉमन चीजें ऐसी होती है जो आपको आनी चाहिए, जो इंटरव्यूज के तो मैंडेटरी होती है, पर हम उस चीज को नहीं पढ़ते, जिस वजह से हमें रिजेक्शन होता है. फर्स्ट, आपको पता ही है सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है किसी भी इंटरव्यू का, रेज्यूम शॉर्टलिस्ट. हम उसी में बाहर हो जाते हैं तो हमें आगे का चांस ही नहीं मिलता है. कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आपका 1 से लेकर 3, एटलीस्ट 3 या मिनिमम 2 राउंड्स लेती है. तो उसको कैसे प्रिपेयर करें? क्या सारा हम लोग गलती करते हैं, हम सारा टेक्निकली पढ़ लेते हैं, हम सारा कम्युनिकेशन में हम ठीक होते हैं, बट हम टेक्निकली सही नहीं होता है. अगर ये सब सही है तो हमारा रेज्यूम ठीक नहीं होता है. देखो, ये सब आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ये छोटी छोटी गलतियों से हम मिस्टेक करते हैं और हमें सही प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है, और प्लेसमेंट का जो स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है. तो मैंने भी अपने टाइम पे गलतियां की थी और उन गलतियों से सीखा कि क्या क्या चीजें सही होनी चाहिए, क्या क्या चीजें चेंज करनी चाहिए. और उसके बाद एक स्पेसिफिक ऐसा टाइम आया था जब मैंने 5 to 6 कंपनीज को क्रैक किया था. एंड उस टाइम पे आई फील कि हाँ, कुछ चीजें मैंने जो गलत की थी मुझे वो नहीं करनी चाहिए थी. वो बेसिक चीजें भी अगर आप नहीं करोगे तो कोई यूज नहीं है कि आप कितने भी टेक्निकली स्ट्रांग हो या फिर कम्युनिकेशनली स्ट्रांग हो, क्योंकि बीइंग अ फ्रेशर कंपनी आपसे बहुत ज्यादा नहीं मांगती है. चलो ये तो प्रॉब्लम हो गई. अब यू वांट द सॉल्यूशन, तो आई एम हेयर टू गिव यू अ सॉल्यूशन गाइस. दैट इज कि नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कोर्स रिगार्डिंग द प्लेसमेंट प्रिपरेशन. अब आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, कैसे करना है, क्या करना है, एक एक पर्टिकुलर टॉपिक, एवरीथिंग आई विल कवर. बेसिकली वो टॉपिक्स जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, आपको गूगल में नहीं मिलेंगे, या फिर हार्डली आपको मिलेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एक स्पेसिफिक एक्सपीरियंस क्या होता है इंटरव्यू देने के बाद. क्योंकि एप्टीट्यूड हमें मिल जाता है, एप्टीट्यूड के आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, प्लस आपको प्रोग्रामिंग करनी है वो भी मिल जाएगा, पर कुछ चीजें जो इंटरव्यूज में मैंडेटरी होती है वो कहाँ से सीखे. सो इसीलिए ये कोर्स मैंने स्पेसिफिकली डिजाइन किया आप सभी के लिए, और मोस्टली जो बीसीए वाले हैं, क्योंकि मैं खुद एक बीसीए बैकग्राउंड से, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि बीटेक के कंपैरिजन में कितनी प्रॉब्लम्स होती है. तो ये कोर्स उसी चीज के लिए है, ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, और किस चीज में कितना फोकस देना है. क्योंकि अगर आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट नहीं है तो आप क्या करोगे आगे जाके? कुछ नहीं होगा. आप कितने भी टेक्निकली स्ट्रांग हो, बट आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होना बहुत जरूरी है. तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं एज अ फ्रेशर. एज एक्सपीरियंस भी अगर आप बैठ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आपको रेज्यूम में क्या मेंशन करना है, नेक्स्ट राउंड में क्या करना है, कम्युनिकेशन में क्या करना है, क्या क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए चार से, क्या नहीं पूछने चाहिए, या फिर क्या सिर्फ स्टडी मटेरियल से पढ़ना ही इनफ है इंटरव्यूज के लिए. ये सब आपको पता चल गया होगा अगर आप अभी भी लाइक इंटरव्यूज दे रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फेस हो रही होगी, जो मैंने भी की है. सो आई होप जितना ज्यादा मैं एक्साइटेड हूँ आप भी उतना ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस कोर्स के लिए. तो मैं बताती हूँ आपको करना क्या है. सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने लिंक दिया है, वहां से जाकर के आपको वेबसाइट दिख जाएगी. तो ये है हमारी वेबसाइट. अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कोर्स बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा. एंड अगर आप थोड़ा और नीचे आते हैं तो गाइज यहाँ पे है सिलेबस की क्या क्या को सिलेबस के अंदर हम कवर करने वाले हैं, कौन से मेन टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्लेसमेंट के लिए. तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे आपको इनरोल करना है इस कोर्स के लिए. बाय कोर्स लिखा है, उसमें आपको इनरोल करना है. तो आपको नया इंटरफेस दिखेगा. देखो, कोर्स की फीस यहाँ पे 700 दिखा रहा है. आपको नेक्स्ट में क्लिक करना है. डोंट वरी, यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स में आपका नेम एंड आपका मोबाइल नंबर डालना है. नेक्स्ट करके मेक पेमेंट. पेमेंट में गाइज मैं आपको एक कोड दे रही हूँ DC20, जिससे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा. तो आप ये प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं. और देखिए, आपका थोड़ा सा जो है मनी लेस हुआ है, तो नाउ इट इज़ 560.
नाउ अब प्रोसीड टू पेमेंट, आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। जिस भी पेमेंट मेथड को आप यूज करना चाहते हैं आप इनरोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पेमेंट मेथड। क्लासेस की डिटेल्स वहाँ पे दी गई है, सारे सेशंस वहाँ पे दिए गए, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी जो प्रॉब्लम है रिगार्डिंग द लाइक प्लेसमेंट प्रिपरेशन वो सॉल्व हो पाए, क्योंकि प्लेसमेंट्स के लिए हम पढ़ते बहुत ज्यादा है पर स्पेसिफिक ट्रिक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई होप कि ये जो कोर्स है ये आपको सबसे हटके लगे और आपको प्लेसमेंट में पूरी 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 हेल्प करे। सो आई एम हैप्पी टू हेल्प यू एवरीवन। सो फटाफट जाकर के आप नीचे लिंक को एक्सेस कर लो, इनरोल कर लीजिएगा कोर्स के लिए, ताकि फटाफट से हम प्लेसमेंट प्रिपरेशन शुरू कर पाए और आप अच्छे से एक प्लेसमेंट क्रैक कर पाओ। एंड BCA फ्रेशर्स भी MNC कंपनी क्रैक कर सकते हैं विद अ गुड पैकेज, विद अ गुड डिसेंट पैकेज। बस आपको कुछ ट्रिक्स पता होनी चाहिए जो बहुत ज्यादा जरूरी है इंटरव्यूज के लिए। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो रिगार्डिंग द अपडेट, और ये अपडेट स्पेशली आप लोगों के लिए है क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो कि मैम BCA के बाद कैसे क्रैक करें या क्या प्लेसमेंट प्रिपरेशन के लिए हम प्रैक्टिस करें, क्या लैंग्वेज पढ़े, कैसे करें कम्युनिकेशन, कैसे करें कम्युनिकेशन फ्लुएंट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये सारी चीजें हम लोग कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आप सब अब इनरोल करने वाले हैं, एंड जल्दी मिलते हैं सेशंस पे। सो हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।